Welcome on Neo World, the next world. नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस रेड बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हम जो भी नए वीडियोज़ डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों समय गवाए बिना आगे चलते हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है एक नई भर्ती पर, जो है कि नवोदय विद्यालय समिति। ये अच्छी मात्रा में भर्ती ले रही है, आइए उसकी मैं आपको डिटेल्स दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो नवोदय विद्यालय समिति है पूना में, ये जो ऑनलाइन आवेदन ले रही है, इसमें जो सीटें हैं वो है 683। ओके दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग पोस्टेज हैं यहाँ पर वैकेंसी की, इसका ऑनलाइन मोड रहेगा, ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं 12/11/2017 से 12 नवंबर 2017 से 13 दिसंबर 2017 तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है 8th क्लास से, 10th 12th, और नर्सेज के लिए है, तो अलग अलग क्वालिफिकेशन है जो मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में आगे। यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया है वो है मिनिमम 8 से 30, जो कि है पोस्ट 1 के लिए, इस वाली पोस्टों के लिए। उसके बाद यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है इस बार। इसमें जो पोस्ट है वो है ऑडिट असिस्टेंट की, जिसमें 3 पोस्ट हैं, हिंदी ट्रांसलेटर जिसमें 5 पोस्ट हैं, स्टेनोग्राफर जिसमें 6 पोस्ट हैं, लोअर डिवीज़न क्लर्क की यहाँ पर 10 पोस्ट हैं, और ये JNVs अंडर 8 रीजनल ऑफिसर यहाँ पर 659 टोटल पोस्ट हैं जिसके अंदर ये कैटेगरीज हैं पोस्ट की। फीमेल नर्स, फीमेल स्टाफ नर्स की है यहाँ पर 81 पोस्ट है, कैटरिंग असिस्टेंट है यहाँ पर 61 पोस्ट है, LDC स्टोर कीपर यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं जो कि है 440, लैब अटेंडेंट्स यहाँ पर है 7 पोस्टेज। तो यहाँ पर अच्छी वैकेंसी है, भारी मात्रा में है। ये जो रीजनल ऑफिसेज हैं वो हैं भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे, शिलोंग। ओके दोस्तों, दोस्तों इसमें जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है, जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो होगी यहाँ पर 1000 रुपीज़। ओके, और यहाँ पर नो फीस फॉर SC ST एग्ज़ामिनेशन। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको और आगे दिखाना चाहूँगा कि इसका एडवर्टाइजमेंट जो है इस तरीके का है। ये वैकेंसी जो है टोटल ऑनलाइन है, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ कि पोस्ट के लिए, जैसे JNV के लिए, और इससे पहले जो ऑडिट असिस्टेंट की पोस्टेस थी 3, 5, 6 और 10, इसकी कैटेगरी वाइज है यहाँ पर कितनी पोस्टें किस कैटेगरी में कितनी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर फीमेल स्टाफ नर्स भोपाल, भोपाल में है जो वैकेंसी, फीमेल स्टाफ नर्स, कैटरिंग असिस्टेंट, LDC स्टोर कीपर, लेब असिस्टेंट, इन चारों पोस्टों में यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीटें दे रखी हैं और यहाँ टोटल सीटें दे रखी हैं। एक सर्विसमैन की भी यहाँ पर है, फिज़िकल हैंडीकैप के लिए भी यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर टोटल वैकेंसी की डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल जॉन के लिए, तो चंडीगढ़ में कितनी है ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पर, हैदराबाद में कितनी है, जयपुर में कितनी सीटें हैं कैटेगरी वाइज, लखनऊ में कितनी है, पटना में कितनी है, पुणे में कितनी है, शिलोंग में कितनी है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ लिखी हुई है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, और नीचे चलते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पर, और यहाँ जो मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग डेट है ऑनलाइन, वो है 12 नवंबर 2017 से लेके 13 दिसंबर 2017 तक आप जमा करा सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म। और स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, टेंटेटिव डेट्स ऑफ ऑनलाइन, यहाँ पर जो डेट ऑफ टेस्ट, यहाँ पर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT जो होगा वो 12th
13 एंड 14 जनवरी 2018। यहाँ पर आपको अगले साल जनवरी के अंदर ही आपको एग्ज़ाम हो जाएगा फर्स्ट। और यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन भी आपको पर्टिकुलर पोस्ट के साथ दी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि ऑडिट असिस्टेंट, फर्स्ट ऑडिट असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका पे स्केल होगा 9,300 से 34,800। ग्रेड पे होगा 4,200 रुपीज़। 6 लेवल की पोस्ट है और एज क्राइटेरिया जो होगा 18 to 30 ईयर। अजेंशन यहाँ पर बीकॉम फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। डिज़ायरेबल वर्क एक्सपीरियंस यहाँ मांगा गया है। हिंदी ट्रांसलेट के लिए भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर 18 से 30 साल रखा गया है। यहाँ पर मास्टर डिग्री चाहिए यहाँ पर, और हिंदी इंग्लिश विथ अदर लैंग्वेज एंड देन मास्टर डिग्री एट ग्रेजुएशन लेवल। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, और दूसरी पोस्ट के लिए फीमेल नर्स स्टाफ के लिए यहाँ पर जो है अप टू 35 ईयर। यहाँ पर जो मांग ये है क्वालिफिकेशन पास सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। यहाँ पर 12th क्लास पास मांगी है, क्लासेस और इक्विवेलेंट एंड ग्रेड A3 या डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ये है। ओके, BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, ये नहीं तो आपके पास अगर ये है तो आप भी आवेदन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन विद इंडियन स्टेट नर्स काउंसिल, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन हॉस्पिटल क्लिनिक ये होना चाहिए। स्टेनोग्राफर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर उनके लिए पोस्ट है। एज लिमिट है 18 से 27 साल। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। ओके, तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं, आपकी पे ग्रेड भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं कैटरिंग असिस्टेंट के लिए, यहाँ पर 35 साल के अंदर एज होनी चाहिए। सीनियर सेकेंडरी सेकेंडरी सॉरी माफ़ करना सेकेंडरी स्कूल 10th क्लास होना चाहिए यहाँ पर। 3 ईयर डिप्लोमा इन कैटरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट भी मांग रहा है, या तो फिर होटल मैनेजमेंट का होना चाहिए यहाँ पर, डिप्लोमा इन कैटरिंग। तो दोस्तों एक और है यहाँ पर लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए, इसके लिए 18 से 27 साल की एज है और रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी क्लास, सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ 50% मार्क्स। यहाँ पर 12th क्लास के साथ आपको 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। और यहाँ पर जो है स्पीड, टाइपिंग स्पीड के हिसाब से यहाँ पर 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और पूरी डिटेल यहाँ आपको मिल जाएगी। लेब असिस्टेंट में यहाँ पर 18 से 30 साल के बीच एज होनी चाहिए, 30 साल के बीच, मिडिल पास विद जनरल साइंस। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एज का जो रिलैक्सेशन है, यहाँ पर उम्र की जो छूट है वो किस तरीके से है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, SC ST वालों के लिए 5 ईयर्स की यहाँ पर रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट है। तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप छूट देख सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। पर्सनल यहाँ पर डिसेबिलिटी वाले लोग भी यहाँ पर आवेदन करेंगे तो उनके लिए काफ़ी छूट है, यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन मोड जो बताया था आपको, मोड ऑफ सिलेक्शन जो है यहाँ पर, विल सिलेक्शन प्रोसेस, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT। तो यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बेस पर ही ये लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट को। उसके बाद यहाँ पर स्किल टेस्ट भी होगा, यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट भी है। आप इस पूरी डिटेल को पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल आपको मिल जाएगा।
एक और इम्पोर्टेंट बात, सीवीडी एग्ज़ाम टेस्ट जो सिटीज़ होगा कहाँ यहाँ होंगी पर, या वो कंप्यूटर। आपने देखा होगा ऊपर जो मैंने आपको रीजनल ऑफिसेज दिखाए थे उनमें से किसी एक ऑफिसेज यानी कि एक जोन में होगा वो टेस्ट। आपकी जो नियर बाय लोकेशन होगी वहीं पर ही वो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराएंगे आपका। ओके दोस्तों, और यहाँ पर आपको काफ़ी डिटेल्स हैं जो मिल जाएंगी, जैसे कि मैंने सिलेबस की बात की तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से क्या सिलेबस रहेगा आपका। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पर आपको 150 मिनट मिलेंगे, अप्रोक्स 2 एंड हाफ आवर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑडिट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, सब्जेक्ट नॉलेज, तो ये यहाँ पर इस तरीके का सिलेबस रहेगा इस कैटेगरी के लिए। यहाँ पर मेन जो है जैसे कि एलडीसी के लिए काफ़ी कैंडिडेट्स होंगे, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट, यहाँ पर आपका सिलेबस देख सकते हो, हिंदी एंड इंग्लिश 10 मार्क्स, ओके, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, एरिथमेटिक एबिलिटी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये टोटल आएगा 100 मार्क्स का। यहाँ पर आपको मिलेंगे 2.5 घंटे, 2 एंड हाफ आवर्स। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये भर्ती है, इसके लिए आप आवेदन करें। आवेदन का मैंने बता दिया है आपको, ऑनलाइन प्रोसेस है ये, यहाँ पर वेबसाइट आपको यहाँ मिल जाएगी, ये www.nvshq.org, या दूसरी साइट भी है www.nvsnt2017.org.org। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और यहाँ आप कमेंट्स भी लिख के दे सकते हैं। आपको जो कुछ भी अगर पूछना है तो हम आपको उसको जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।